नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। रविवार को गणपति बाप्पा को दी गई विदाई। लालबाग के राजा, नागपुर के राजा और घरगुती गणेश के विसर्जन के दौरान गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ का हुआ जय घोष। बुल्ढाणा में एसटी बस और ट्रक दुर्घटना में 25 यात्री हुए घायल, 5 यात्रियों की स्थिति चिंताजनक। और पति पत्नी के विवाद के बीच बच्ची का वीडियो किया वायरल, मामला मानकापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मुंबई में लालबाग के राजा का भी विसर्जन किया गया, जहां ढोल नगाड़ों के साथ लालबाग के राजा को गणेश भक्तों ने विदा किया। ज्ञात हो कि गणपति उत्सव के पर्व पर लालबाग के राजा की अपनी एक अलग ही मान्यता है, जिसे मन्नतों का राजा भी कहा जाता है। और यही वजह है कि सालाना लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में भक्त कतारों में देखे जाते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना जैसी परिस्थिति में नियमों के तहत गणेश भक्त यहां पहुंचकर मनोकामना करते पाए गए, जिसकी विदाई शनिवार को की गई, जहां गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके गूंज से पूरी मुंबई गूंज उठी। गणपति उत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सालाना नागपुर के राजा की स्थापना की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन नागपुर के राजा को विदाई दी गई। ज्ञात हो कि सालाना नागपुर के राजा के दर्शन के लिए लाखों गणेश भक्त रेशिमबाग पहुंचते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना जैसी परिस्थितियों में केवल 4 फीट की मूर्ति नागपुर के राजा के तौर पर स्थापित की जा रही है। इस वर्ष भी पूरे 10 दिन नागपुर के राजा की पूजा अर्चना कर सेवा की गई, जहां बाप्पा की विदाई के समय उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ का जय घोष करते हुए नागपुर के राजा को अंतिम विदाई दी। VCR। दस दिनों की पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के बाद आखिरकार गणपति बाप्पा को विदाई देने का वक्त आ गया। इस बार नागपुर शहर के इतिहास में पहला अवसर होगा जब किसी भी तालाब में विसर्जन की अनुमति नहीं दी गई। महानगर पालिका द्वारा शुरू की गई मोबाइल विसर्जन सुविधा का भी लोग लाभ उठा रहे हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों के सामने विसर्जन टैंक आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही विसर्जन की रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना नियमों का पालन कराने पुलिस के साथ ही महानगर पालिका के कर्मचारी भी सभी जगह तैनात दिखाई दे रहे हैं। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन किया जा रहा है। लोग अगले बरस तो जल्दी आ के जय घोष के साथ गणपति बाप्पा को विदाई दे रहे हैं और बड़ों के साथ ही बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। गणपति बाप्पा पुढच्या वर्षी गणपति। बुल्ढाणा जिले में एक एसटी महामंडल और ट्रक में जोरदार भिड़त में 20 यात्री घायल हो गए, जबकि 5 यात्री गंभीर जख्मी हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है, जहां सोनाला से बुल्ढाणा के लिए निकली बस को मोहगांव के पास से एक तेज रफ्तार से आते ट्रक ने जोर से ठोक दिया, जिसमें सवार 25 यात्री घायल हो गए, जबकि 5 यात्रियों की परिस्थिति चिंताजनक है, जिनको इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज जेव्हा सकाळी आम्ही दर रविवारी नेहमी आम्ही फिरायला जात असतो, आम्ही म्हणजे सर्व श्रीदत्त बुलढाणाचे पूर्ण आम्ही मित्रमंडळी, आज ही ह्या रविवारी आम्ही पूर्ण रादूरच्या महादेव मंदिरावर आम्ही फिरायला गेलो होतो।
15 ते 20 जण होतो. जेव्हा तिथून परतताना जेव्हा ही घटना घडलेली दिसली आम्हाला, एक ट्रक आणि एक एसटी यांचा अपघात झालेला होता. त्या अपघातात बरेचसे प्रवासी जे एसटीमधले होते ते पूर्ण जखमी झालेले होते. काही जण सिरियस पण होते. एकाचा आता सध्या पाय मोडलेला आहे आणि वयस्कर जे लोक होते ते पण खूप जास्त होते. ही घटना जशी पाहिल्याबरोबर आम्ही जे 15 ते 20 जण जे श्रीदत्त बुलढाण्याची आमची मित्रमंडळी आहे त्यांनी सर्वांनी एसटीमधल्या ज्या प्रवासी होते जखमी होते त्यांना आपल्या खांद्यावर वगैरे उचलून बाहेर काढलं. आणि बाहेर काढल्यानंतर जेव्हा ॲम्ब्युलन्सची वगैरे सगळ्यांनी व्यवस्था केली मुलांनी, त्यानंतर बाकीचे जेवढे अपघात झालेले जे रुग्ण होते त्या रुग्णांना ॲम्ब्युलन्समध्ये, काहींना ॲम्ब्युलन्समध्ये पाठवलं, काहींना स्वतः आम्ही 2 जणं आम्ही बसमध्ये घेऊन आलो. बसमध्ये आम्ही 7 ते 8 जणं होतो. 7 ते 8 जणं असताना एक आजी जी होती ती आजी येतानाहीच आपल्या राजूरच्या घाटात ती खूप जास्त बॅड झाली होती, विटॅकमध्ये गेली होती. विटॅकमध्ये गेल्यानंतर तिला मी स्वतः चेस्ट CPR दिला. मी स्वतः डॉक्टर आहे. आमच्या या श्रीदत्त बुलढाण्याच्या ग्रुपमध्ये प्रत्येकजण डॉक्टर कोणी मेडिकल फील्डमध्ये आहे याचा फायदा आज आम्हाला भेटलेला आहे. आणि ते CPR देऊन आम्ही त्या आजीला वाचून इथं आणलेलं आहे. पूर्ण जी बस होती ती बसच आम्ही पूर्ण आपल्या सिव्हिल हॉस्पिटलला इथं पोहोचवली आणि पूर्ण रुग्णांना इथं ट्रीटमेंट सुरू करण्यात आलेली आहे. मानकापूर पुलिस ने 33 वर्षीय महिला की शिकायत पर ऑलविन के खिलाफ मामला दर्ज किया. ऑलविन और महिला के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा है. 2 वर्ष पहले महिला ने ऑलविन के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज करवाया था. महिला का कहना है कि विवाद के चलते ऑलविन ने उसके और बेटी के शरीर पर मिट्टी तेल डाल दिया था, जबकि ऑलविन का कहना है कि महिला ने मिट्टी का तेल खुद ही अपने और बच्ची के शरीर पर डाला था. वह इसका वीडियो बना रहा था. इसी दौरान महिला बच्ची के कपड़े धुलाने बाथरूम में गई. महिला की शिकायत के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. PI वैजयंती मांडवधरे ने बताया कि पुलिस पहले वीडियो की जांच करेगी, इसके लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. आनंदाचे उधान येईल गौरी गणपती येता दारी. रोकडे ज्वेलर्सच्या अप्रतिम दागिन्यांनी होईल त्यांच्या आगमनाची तयारी. यंदा सजवा आपल्या गौरी गणपतीला उत्कृष्ट कलाकुसरीने नटलेल्या रोकडे ज्वेलर्सच्या सुंदर दागिन्यांनी. नागपूरकरांचा दागिना रोकडे ज्वेलर्स, लक्ष्मीनगर, महल आणि इतवारी. रोकडे ज्वेलर्स. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. MIDC पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेश को ATM कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए उनका सारा बैंकिंग व्यवहार बेटा सूरज देशमुख ही संभालता था. पैसे की जरूरत होने के कारण सुरेश और सूरज महाजनवाड़ी परिसर में स्थित SBI के ATM में पैसे निकालने गए. काफी प्रयास करने के बाद भी खाते से रकम नहीं निकली. दोनों ने वाना डोंगरी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि खाते में केवल 780 रुपये बचे हैं.
ये सुनकर सुरेश के होश उड़ गए। उन्होंने बैंक से लेन देन की स्टेटमेंट मांगी तो पता चला कि 1 सितंबर से 16 सितंबर के बीच अज्ञात आरोपी ने उनके खाते से 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि समिति की अध्यक्षता संस्थान का प्रमुख करेगा और 75% महिलाएं सदस्य रहेगी। साथ ही एक प्रतिनिधि स्वयंसेवी संस्था का होना अनिवार्य है। समिति की बैठक प्रति माह लेकर उसकी जानकारी जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी को देने का भी परिपत्रक में अनिवार्य किया गया है। इन दिनों शहर में महिला उत्पीड़न के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, जबकि अधिकांश संस्थाओं और स्कूलों में समिति का गठन नहीं किया गया है। आरटीआई एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ इस मामले में महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी को ज्ञापन कर कार्यस्थल समिति गठन को अनिवार्य करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि समिति नहीं होने से महिलाएं अपनी शिकायतें नहीं कर सकती, जबकि सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए परिपत्रक जारी किया है। स्कूल सहित विविध संस्थाओं में समिति होने से कामकाजी महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोका जा सके और उन्हें समय पर न्याय दिलाया जा सके। पांच पावली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी संजय गांधीनगर निवासी सुनील उर्फ खेकड़ा दयाराम कोंटांगले बताया गया। शुक्रवार की शाम को विलास रानी दुर्गावती चौक पर किसी काम से रुके थे। इसी दौरान सुनील उनके पास आया, शराब पीने के लिए 100 रुपए मांगे। विलास ने पैसे देने से मना कर दिया तो विवाद और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने पास पड़ी ईंट उठाकर विलास के सिर पर मार दी, बुरी तरह जख्मी कर फरार हो गया। विलास ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सुनील को गिरफ्तार कर लिया। परिसर के नागरिकों ने बताया कि चौक पर शराब की दुकान के साथ ही बियर बार भी है, इस वजह से अक्सर विवाद होते रहता है। शराबियों के विवाद के कारण परिसर के दुकानदार भी परेशान हो गए हैं। शराबियों के साथ ही कई बार असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं, इस वजह से भी घटनाएं होती हैं। नागरिकों ने शाम के बाद से परिसर में नियमित गश्त की मांग की है। जानकारों ने बताया कि फॉर्म भरने की तारीख 20 से 24 तक है। जो भी होना है 20 तक होना है, इसलिए अभी से ही उत्सुक उम्मीदवार अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है। बताया जाता है कि आड़तिया व्यापारी वर्ग में ही कम से कम 1200 वोट कम हो गए हैं, जिसके कारण चुनाव में रोचकता बढ़ने की संभावना है। 2012 में 3200 से अधिक वोटर इस वर्ग में थे, लेकिन इस बार घटकर 2100 के करीब रह गए हैं। सूत्रों ने बताया कि अधिकांश मार्केट से वोटर कम हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि काफ़ी समय तक प्रशासक का शासन था, जिसके कारण लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पाया। इसका खामियाजा सभी बाजार को उठाना पड़ा है। इसी प्रकार GST आने के बाद कई व्यापारी केवल एक लाइसेंस ही रिन्यू कराए हैं, जबकि कईयों के पास 2 से 3 लाइसेंस थे। ऐसे कई लोगों ने 2-2 लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया, जिससे भी वोटर कम हुए हैं। 2012 के चुनाव में BJP चुनाव में नहीं थी, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है। कई विधायकों ने अपनी सहमति दिखाई है। चूँकि चुनाव में संपूर्ण ग्रामीण भाग का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए सहमति बनाई जा रही है कि इस बार पूरा का पूरा पैनल उतारा जाए। इसे लेकर कई नेता आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि जिस प्रकार पूर्व कार्यकारिणी ने घोटाला किया था, उसे कहीं ना कहीं रोकना होगा, इसलिए BJP अपना पैनल उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पहले डॉक्टरों ने उम्मीद जताई थी कि अगस्त में तीसरी लहर आएगी, उसके बाद सितंबर में कोरोना के तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की गई थी। अब जब सितंबर आधा बीत चुका है और संक्रमित लोगों की संख्या भी नियंत्रण में है, तो लग रहा है कि कोरोना की तीव्रता कम होने लगी है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि तीसरी लहर आई भी तो हालात अप्रैल और मई जैसे नहीं होंगे। इसकी मुख्य वजह टीकाकरण माना जा रहा है। टीका लगाने से भले ही संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने जैसी नौबत से बचा जा सकता है। डॉक्टर ये भी मान रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन इसकी तीव्रता कम होने से महामारी से डरने जैसी स्थिति नहीं होगी। हाँ, ये भी सच है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का नियमित इस्तेमाल करना अनिवार्य है।
अब जब जिले में कोरोना का जोर कम होने लगा है तो 18 महीने से बंद स्कूल और धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।